हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग करने वाले हैं एक अमेजिंग मेकओवर। चलिए देखते हैं। चलिए, आज भी आपको जो डेमो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वर्सु एकेडमी से। लाइव बच्चों के लिए हम लोग ने किया था, सोचा आप लोग को भी दिखाएं। आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं वेला का कलर 12-1, जो कि हाई लिफ्टेड कलर है और मेरा बहुत फेवरेट है। 12 सीरीज जितने भी हाई लिफ्टेड कलर्स हैं बहुत फेवरेट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेकओवर प्रॉपर आता है। तो हम लोग 12-1 यूज़ किया है 40 वॉल्यूम से और उसका रेशियो लिया है हम लोग ने 1:2। हमेशा ध्यान रखो, आप हाई लिफ्टेड कलर्स जितने भी लेते हो, आप स्पेशल ब्लॉन्ड कलर्स जितने भी लेते हो आप, उसका जो रेशियो रहेगा 1:2। कलर को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। कभी भी आप लोग कलर करते हो, मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वेइंग स्केल के साथ में ही आपको कलर को मिक्स करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1:2, मतलब 1:2। यहाँ पे दूसरा कलर हम लोग ले रहे हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का कलर है 7.8, मतलब मोका कलर है मीडियम ब्लॉन्ड के साथ में। और यहाँ पे हम लोग ने लिया है 30 वॉल्यूम रेशियो लिया है 1:1.5। मैट्रिक्स का कोई भी कलर आप लो, रेशो होगा 1:1.5। तीसरा कलर हम लोग ने यूज़ किया है जो कि है 77। 77 मीडियम कलर, इंटेंस कलर है। ये हम लोग ने लिया है 20 वॉल्यूम से। 77 जो मीडियम ब्लॉन्ड कलर है, ये हम लोग ने लिया है 20 वॉल्यूम से। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं तीन कलर्स आज, थ्री कलर्स, अच्छे से मिक्सिंग। चलिए बात करते हैं हमारी मॉडल के बाल के बारे में। इनके बाल थोड़े से ग्रे हैं, जैसे कि आप लोग थोड़ा देख सकते हो। ये कलर भी करते हैं अपने बालों पे, रूट्स पे लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, रूट्स पे लगाते हैं। बाकी इन्होंने हीना किया था अभी कुछ दिन पहले, शी हैज़ डन हीना। इनको किसी ने बताया कि हीना जो है वो आपके बालों को थोड़ा शाइन देगा, तो एक इन्होंने बहुत ज़्यादा बार नहीं लगाया, लेकिन एक दो बार इन्होंने 3-4 महीने पहले एक बार हीना लगाया था। बाकी सेक्शंस हमारे बन चुके हैं। अगर मैं बालों की बात करूँ तो इनके जो हेयर हैं वो हैं वेवी और हाई डेंसिटी हेयर है, डायमीटर काफ़ी थिक है। यहाँ पे भी हम लोग जिगजैग टेक्निक से करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर स्ट्रेट बाल हैं तो आपको लेने हैं फाइन वीविंग, जो कि हमारा बेसिक्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ, बेस में स्ट्रेट बाल हो, फाइन हेयर हो, आप फाइन वीविंग कर सकते हो। अगर आपके बाल वेवी हैं और वेवी बालों के साथ अगर थिक हैं तो आप मीडियम वीविंग ले सकते हो, जो कि आज हम लोग ले रहे हैं। हाई डेंसिटी बाल हैं। अगर मैं क्लाइंट के स्किन टोन की बात करूं तो वो है वीटिश, और इसलिए आज हम लोग ने प्लान किया कि इनके बालों के ऊपर हम लोग थोड़ा ब्लॉन्ड के ऊपर काम करेंगे और थोड़ा ब्राउन। 7.8 मोका कलर जो है, बहुत ही अमेजिंग कलर आता है मैट्रिक्स में, मोका लिख लो आप लोग। कोई भी आपके पास वीटिश कलर की क्लाइंट आती है जिनका वीटिश कलर है और उनको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं चाहिए, तो 7.8 ये दो कलर्स आते हैं मैट्रिक्स में, आप लोग इनको ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही अमेजिंग है। लोगों को चॉकलेट ब्राउन, आपके ब्राउन कलर फैमिली में अगर जाना है तो 7.8 कलर्स बहुत अच्छे हैं आपके मैट्रिक्स में। तो आज हम लोगों ने एक ब्राउन कलर को यूज़ किया है, मतलब ब्राउन का रिजल्ट आएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन है मोका। बाकी थिक सेक्शंस, हाई डेंसिटी है, वेवी है, और अगर मैं बात करूँ हमारे मॉडल की भी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसे बाल आते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उनको समझाना चाहिए कि भाई देखो, कलर्स के साथ में खाली कलर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो बाल आपके इतने ड्राई नहीं होंगे। लेकिन यस, क्लाइंट को उसके बाद में ध्यान रखना होगा, क्योंकि कलर है तो उनको स्पा भी करना होगा। ये चीज़ें आपको आपकी क्लाइंट को हमेशा एडवाइस करना है। तो ये तो हुई हमारी मॉडल की बातें। स्किन टोन जैसे मैंने बताया, थोड़ा व्हाइटिश है, सांवला रंग है। और क्लाइंट के बालों का अगर बेस कलर की बात करूँ तो इनका नंबर है 4, और मैं कोशिश करूँगा कि इनके बालों में 7 तक का जो लेवल लिफ्टिंग हो, और ताकि ये कंफर्टेबल रहें। बहुत ज़्यादा भी लिफ्टिंग नहीं करनी, पहली बार कलर कर रहे हैं मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा कलर कभी इन्होंने किया नहीं है, किया भी है तो जो आगे के थोड़े ग्रे हैं, थोड़े बहुत उसको छुपाने के लिए किया है। बाकी अगर मैं प्रोफेशन वाइज बात करूँ तो शी इज़ इनटू ऑफिस, तो अकाउंट्स ऑफिस में है शायद, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कैरी भी नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम टुडे आई वॉन्ट कि इनको हम लोग थोड़ा ऐसा लुक दें ताकि वो इनके ऑफिस में भी चल सके, इनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो।
तो एकेडमी में आए थे तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे थे। यही कोशिश रहती है कि वर्सोवा एकेडमी में जब भी जाऊं या किसी भी हमारी एकेडमी में जाऊं, जो भी काम करूं वो आप लोग से ज़रूर शेयर करूं। तो आज भी आप लोग बताइएगा कि आपको ये कलर कैसा लगा। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा था इनके कलर, हमारी मॉडल जो हैं आज की इनके भी बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोग को भी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप हमारी वर्सोवा एकेडमी आ सकते हैं। बहुत मॉडल्स हैं यहाँ पे, बहुत काम चल रहा है, फैकल्टीज़ आर अमेजिंग यहाँ पे। और इसी तरीके से मैं कोशिश करता रहता हूँ आजकल कि हम लोग अकेडमीज़ में जाएँ, बच्चों से मिलें, उनको कुछ नई नई चीज़ें दिखाएं, बेसिक्स के ऊपर बात करें, एडवांस के ऊपर बात करें, बिज़नेस ग्रोथ के ऊपर बात करें। मैं, सैम मैम, हम लोग जाते रहते हैं, हमारा बेटा आयान प्रताप सिंह भी हमारी एकेडमी में विजिट्स करते रहते हैं। तो एक अच्छा माहौल है वहाँ पे, अगर आप लोग को आना है तो ज़रूर आइएगा। प्रैक्टिस के लिए हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स हों वो भी प्रोवाइड करें। तो आज हम लोग जो काम कर रहे हैं कलर के ऊपर काम कर रहे हैं और लाइव कर रहे हैं हमारे मुंबई के अंधेरी के वर्सोवा एकेडमी से। इसी तरीके से वीविंग करेंगे, जिगजैग पैटर्न पे ही मैं अभी वीविंग ले रहा हूं, लेकिन सेक्शंस अगर आप देखोगे तो थोड़े से थिक है कंपैरेटिवली अदर वीडियोस जो आप लोगों ने पहले के देखे होंगे, क्योंकि बाल हैं वेवी, डायमीटर है थिक, हाई डेंसिटी बाल हैं। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आज डिसाइड किया कि इनके ऊपर हम लोग तीन कलर करने वाले हैं। बाकी रूट्स के ऊपर भी लगाऊंगा आज, आप देखना जो हमारा 77 कलर है। हालांकि हम लोग ने यहाँ पे तीन कलर्स के ऊपर एप्लीकेशन किया है। पहला एप्लीकेशन हमारा 12/11 का था, दूसरा 7.8 जो हमने 30 वॉल्यूम से लिया था 1:1.5 रेशो के साथ में, और तीसरा कलर हम लोग ने यूज़ किया था हमारा 77 जो कि है मीडियम ब्लॉन्ड वेला का, जिसको हमने मिक्स किया था 20 वॉल्यूम से और रेशो लिया था 1:1। लिख लो आप लोग, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके काम आएंगी। आप लोग भी इसी तरीके से कोई भी क्लाइंट आता है तो आप लोग काम कर सकते हो। बहुत हॉरिजॉन्टल सेक्शंस के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीविंग टेक्निक है ये सबको अच्छा लगता है, दिस लुक्स गुड, और सब क्लाइंट्स पसंद करते हैं। बाकी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाता रहूँगा। आज की वीडियो में थोड़ा अलग ये है कि आप रूट टचअप, जैसे आपके ग्रे बाल हैं, अगर आपको उसको रूट्स को भी अगर आप कवर करना है तो आप तीसरा कलर कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑन द रूट्स विद द, अभी आपके फॉइल्स हम लोग निकालने नहीं वाले, फॉइल के साथ में ही हम लोग करेंगे। तो आज ये थोड़ी टेक्निक अलग रहेगी, गौर से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबके नोट्स ज़रूर बनाओ आप। स्लाइसिंग टेक्निक, पहले हम लोग स्लाइस निकालते हैं फिर उसके बाद वीविंग ले रहे हैं। बीच में हम लोग थोड़ा सा गैप के लिए थोड़े और बाल छोड़ रहे हैं जो कि हमारी स्लाइसिंग के इसमें ही है। एक सेक्शन लेता हूँ, बीच में से एक स्लाइस छोड़ता हूँ, फिर जो दूसरी स्लाइस मेरे हाथ में रहती है उसमें वीविंग ले रहा हूँ, और गैप जो है उसमें बहुत कम ले रहा हूँ। नोट्स बनाते रहो, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ इसमें से स्क्रीनशॉट लो, इसका आफ्टर का भी आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाओ। हमारे अगर मैं चैनल की बात करूँ तो हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं हेयर कट को लेके, कट्स को लेके, ब्लो ड्राइज को लेके, कलर को लेके, स्ट्रेटनिंग को लेके, कैरेटीन, वेलाप्लेक्स, देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़। आप, मैं तो बोलूँगा आपको कि आप बिल्कुल एक प्रोजेक्ट फाइल ही बना दो, तैयार कर लो और उसको पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो। और अगर आप लोग को भी ज्वाइन करना है तो स्टार्टिंग में आपने नंबर देखा होगा 9920537343, इस पर आप व्हाट्सएप करो, बात करो। और यहाँ पे हमारे पास पीजी फैसिलिटीज़ भी हैं, आप लोग ज़रूर आइएगा। हमारे यहाँ पे बहुत सेफ़ है फॉर गर्ल्स ऑल्सो, इट इज़ वेरी सेफ मुंबई में। अगर आप देखेंगे बॉयज़ के लिए भी, डोंबिवली में जो हमारी एकेडमी है वहाँ पे भी हम लोगों ने पीजी अवेलेबल किया हुआ है। वहाँ थोड़ा सस्ता है, वर्सोवा में थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो आप वहाँ आ सकते हो। तो पता करें, फ़ोन करें, बात करें और अपनी सीट बुक करें। इसी तरीके से लर्न करते रहें और लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। हम लोग वेट करेंगे आपका, मैं, सैम मैम, हमारे फैकल्टीज़ और हमारी वर्सोवा एकेडमी में। और बीच बीच में जैसे मैंने बोला हमारे आयान प्रताप सिंह भी विज़िट करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है एकेडमी में आना, तो उनसे भी मुलाकात होती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं आयान के लिए भी, तो लोग वहाँ पे भी आके मिल सकते हैं। बहरहाल आज का कलर आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर इन्जॉय करें। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। यहाँ पे प्रॉपर अभी पूरा वीडियो बाकी है, उसको देखो, रिजल्ट्स को देखो, वॉश को देखो,
बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी आपके जो क्वेश्चन हैं आप लोग ज़रूर डालना। इसको कैसे हम लोग को वॉश करना चाहिए, अगर हम लोग दो तीन कलर्स कर रहे हैं इमल्सीफाई कैसे करना चाहिए, कलर को अगर आज हम लोग ने 7/11 लिया है तो क्यों लिया है, 7.8 लिया है तो क्यों लिया है, क्लाइंट के जैसे मैंने आपको बताया आईज कलर को आपको देखना होता है, स्किन टोन को देखना होता है, प्रोफेशन को देखना होता है, पर्सनैलिटी को देखना होता है, उनके कपड़े कैसे पहनते हैं क्लाइंट, इंडियन ज़्यादा पहनते हैं, वेस्टर्न ज़्यादा पहनते हैं, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, ये सब आपको देखना होता है। बाकी अगर आप देखोगे अभी कि हम लोग अभी रूट्स के ऊपर कलर लगा रहे हैं 77, जैसे मैंने आपको बोला 77 से भी हम लोग जो ग्रे कवरेज है वो कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा लगाना होता है, फॉइल के बीच में ही लगा रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, फॉइल के बीच में ही हम लोग कलर लगा रहे हैं। और इसी तरीके से आप लोगों को भी कलर लगाना है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि कलर करने के बाद में रूट्स को हम कैसे कवरेज करें, तो इसी तरीके से आपको ग्रे कवरेज करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। तो मुझे लगता है आज का भी कलर आपको अच्छा लगा होगा। फ्रंट पेरीमीटर पे काम करेंगे, बैक पे करेंगे, प्रॉपरली काम करना है, थोड़ा कलर ज़्यादा लगाना है ताकि जो ग्रे है वो प्रॉपर कवर हो जाए। बताइएगा आज का कलर कैसा लगा, मैं वेट करूँगा, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स और मैं वेट करूँगा आपके जितने भी कमेंट्स हैं। बताइएगा, आपके एडवाइसेस दीजिएगा, आपको और क्या क्या देखना है उसके बारे में बताइएगा। इसी के साथ देखते रहें और कमेंट ज़रूर करें, अकेडमी ज़रूर आएँ मुंबई में और अपनी लाइफ को एक शेप अप करें, बहुत मज़ा आएगा, हम लोग वेट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप जहाँ पे भी हो फटाफट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करो, पता करो और ज्वाइन करो। इसी तरीके से बहुत सारे मेकओवर्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे हमारी एकेडमी में।
काम बहुत अमेजिंग चल रहा है। जितनी भी अकेडमीज हैं आप मुंबई में वर्सोवा आ सकते हो, डोंबिवली आ सकते हो, बाकी अभी हमारी और बहुत सारी अकेडमीज हैं, इसी नंबर पे पता करो, बात करो, जिस स्टेट में भी हो आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ लेता हूँ इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए मेकओवर के साथ। फटाफट फटाफट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करो, पता करो और ज्वाइन जरूर करो हमारी अकेडमीज, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग लुक्स के साथ, ऐसे ही अमेजिंग स्टाइलिंग के साथ, मेकओवर के साथ आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। इसी के साथ लेता हूँ इजाजत, थैंक यू सो मच, शेयर कर देना इस वीडियो को जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।